That's right, it's the second season of Rising Star. और मैं ये second season जो है वो host कर रहा हूँ. पहला season मैंने देखा and I'm a fan of the first season. और सबसे ज़्यादा exciting बात जो इस show के बारे में है, it is the first live singing show of India, जहाँ पे आप भी अगर देख रहे हैं, so it's an interactive medium. आप देख रहे हैं, you can vote for the contestant while you're sitting at your home. और वोट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उस कंटेस्टेंट के लिए वोट कर सकते हैं. एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अगर आपको कोई पसंद आया तो इमीडिएटली उसको भी पता चलता है और आप भी उसको इमीडिएटली बता सकते हैं कि आपको वो इंसान पसंद आया. और अगर पसंद नहीं आया तो वो दीवार नहीं उठेगी और उसको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने उसके लिए वोट नहीं किया. सो इसका सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पॉइंट, सबसे बड़ी बात जो है वो द फैक्ट दैट इट इज़ लाइव एंड द फैक्ट दैट द वोटिंग इज़ ऑर्गेनिक. तो पूरे बिग बॉस सीज़न 11 में सलमान भाई बोलते रहे कि राइजिंग स्टार की ऐप डाउनलोड करो. तो आप लोगों ने में से किस ने कर लिया ऑलरेडी? कर दी फिनाले भी कर ली. चलो करिए, तो मतलब इतने वोट्स तो आ ही जाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए. सो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज सलमान भाई सेइंग इट, ही सेड इट थ्रू आउट द सीज़न एंड दैट्स अ यू नो. सो मतलब वो जिस तरीके से प्रमोट करते भी थे उसमें भी एक बड़ी एंडियरिंग क्वालिटी थी उनकी. तो बिग बॉस के फिनाले के दिन हमारा प्रमोशन हुआ, जो कि आई एम श्योर वॉज सैम्पल्ड बाई एवरीबडी इन द कंट्री. सो एवरीबडी नोज दैट राइजिंग स्टार इज कमिंग सैटरडे एंड संडे 20th of January, यू नो, 9 PM एंड इट्स लाइव. सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है दैट सलमान भाई हिमसेल्फ ऑन बिग बॉस प्रमोटेड अस. 100 थिंग्स, सुर और ताल तो देखेंगे ये मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. उसके अलावा मैं एज अ कंपोजर मैं देखूँगा कि आप, अगर मैं आपको मेरे रिकॉर्डिंग में बुलाऊँ तो कैन यू add value to my song, you know, are you going to contribute to my song if I call you? And if you are there, you are the rising star for me. You need not be the winner.